Morning students, in our previous video we have studied about ordinal numbers. So now we are going to learn about even number and odd number. So let's start even and odd number. So students, first of all look here, जैसे कि देखो बच्चों आपको यहाँ पे पेयर किसे कहते हैं यह आपको बताया गया है. जैसे ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन टूल्स आर सेड टू बी इन पेयर्स. जैसे कि देखो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया है, जैसे वस्तुएं जो होती है, जैसे कि आप पेयर किसे कहना है, जी पेयर किसे कहना है, देखो जिस वस्तु में टू थिंग्स होते हैं, मतलब दो वस्तुएं होती है. जैसे कि आप देख सकते हो सॉक्स, सॉक्स में दो सॉक्स लोग होते हैं, उस सॉक्स दो सॉक्स को पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब वो हुआ पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब उसमें कितने थिंग्स आए, टू थिंग्स. सो बच्चों आपको ध्यान में रखना है पेयर में दो वस्तुएं आती है, लेकिन उस दो वस्तुओं की वस्तुओं को पेयर कहा जाता है. वैसे ही हमें यहाँ पे पेयर किसे कहते हैं, और आपको इवन नंबर में और ऑड नंबर में पेयर कैसे बनानी है यह हमें देखना है. सब बच्चों हियर इवन नंबर किसे कहना है, फेट अ नंबर कैन बी मेड इन पेयर्स, इट इज कॉल्ड एन इवन नंबर. देखो इवन नंबर किसे कहना है, जो नंबर जिस नंबर को आप देखो पेयर में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि सेम पेयर होनी चाहिए. जैसे टू टू के अगर पेयर आप बनाने चाहते हो, जैसे कि टू टू के अगर फोर पेयर बनते हैं तो वो हुआ ऑड इवन नंबर, लेकिन अगर उस पेयर में एक ही थिंग अलग से बचता है तो वो हुआ ऑड नंबर. जैसे कि देखो आगे दिया है ऑड नंबर, अभी ऑड नंबर किसे कहना है, फेल अ नंबर कैन नॉट मेड इन पेयर्स, इट इज कॉल्ड एन ऑड नंबर. देखो जो नंबर पेयर में डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को कहना है ऑड नंबर. सो स्टूडेंट्स लुक हियर, आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं. अभी यहां पे देखो फर्स्ट एग्जांपल इज 10. अभी 10 इवन नंबर है या ऑड नंबर यह आपको मैं अभी एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दूं. जैसे कि देखो यहां पे 10, तो हमें क्या करना है, यहां पे मैंने क्या किया 10 के आगे 10 स्क्वायर निकाले. देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. अभी इन 10 स्क्वायर को पेयर में डिवाइड करना है, इक्वल पेयर में. अभी देखो पेयर में कितने थिंग्स होते हैं, देखो टू थिंग्स होते हैं, मतलब दो थिंग्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू टू के पेयर बनाने पड़ेंगे. तो अभी यहाँ पे मैं टू टू के पेयर हम बनाएंगे. तो देखो बच्चों यहाँ पे ये हुआ पहला एक टू का पेयर, वन यहाँ पे टू, ठीक है, देन थ्री फोर और फाइव. अभी यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कि हर एक पेयर में टू थिंग्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पे दो स्क्वायर आए हैं, लेकिन अकेला स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऐसे एक अलग से पेयर आपको दिखाई पड़ता है क्या, नहीं, इसीलिए यह हुआ इवन नंबर. इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में हम इक्वल पेयर बना सकते हैं, मतलब नंबर के जो पेयर है वो हम बना सकते हैं, उसमें एक भी थिंग्स अलग से नहीं छूटता है. मतलब यहाँ पे देखो हमने थिंग्स कौन सा लिया, स्क्वायर, आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स में स्क्वायर आता है ना, वह स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाले और उस स्क्वायर के उस स्क्वायर को हमने क्या किया, पेयर में डिवाइड किया, तो वह इक्वल पेयर में डिवाइड हुई. जैसे कि देखो यार टू 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 और टू, मतलब हर एक पेयर में टू टू थिंग्स है, इसलिए यह हुआ इवन नंबर, ठीक है. अभी सेकेंड नंबर देखो 9. अभी 9 को भी हमें इक्वल पेयर में डिवाइड करना है, पेयर में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो पेयर में टू थिंग्स होते हैं, इसलिए हमने पहली पेयर बनाई है टू स्क्वायर की, सेकंड देखो टू, तीसरी पेयर थ्री फोर, और देखो यहाँ पे एक जो स्क्वायर है वो बच गया. यहाँ पे इक्वल पेयर हुई क्या टू टू के, नहीं. देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे पेयर कितने हुए, फोर पेयर हुए, और एक जो स्क्वायर है वो एक स्क्वायर यहाँ पे बच गया है, मतलब यहाँ पे इक्वल पेयर हुए क्या, नहीं हुए, वहां पे एक थिंग बच गया है, इसीलिए यह हुआ ऑड नंबर. हमने इवन नंबर में क्या देखा है, इवन नंबर में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के हमने पेयर बनाए वो इक्वल हुए, जैसे कि देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव, यहाँ पे हमने फाइव पेयर बनाए, लेकिन अलग से कोई एक अलग से एक स्क्वायर छूट गया है केस में, नहीं, लेकिन सेकंड नंबर का जो हमने नाइन डिजिट जो यहाँ पे देखा है वो
उस डिजिट के हमने यहाँ पे पेयर बनाए, जैसे देखो 1 2 3 4 फोर पेयर बन गए, लेकिन उसमें एक किंग एक जो स्क्वायर था वह एक स्क्वायर छूट गया है, इसलिए यह नंबर हुआ ऑड नंबर। यहाँ पे एक स्क्वायर छूट गया है, जैसे कि देखो 2 के हमने कितने पेयर बनाए, 1 2 3 4 फोर पेयर बनाने के बाद भी एक स्क्वायर छूट गया है, इसलिए यह हुआ ऑड नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया कि वन नंबर में जो है वो पेयर सेम होते हैं, जैसे कि देखो 2 के हमने यहाँ पे कितने पेयर बनाए, 1 2 3 4 5। अब पहले हमने 10 डिजिट के पेयर बनाए थे, यहाँ पे 10 के कितने पेयर बन गए, 5 पेयर, इसमें एक भी स्क्वायर नहीं छूटा था, लेकिन सेकंड नंबर जो हमने देखा 9 उसमें एक स्क्वायर छूट गया है, इसलिए यह हुआ ऑड नंबर। अभी देन देखो नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 8। अभी 8 की भी आपको 8 को भी आपको पेयर में डिवाइड करना है। सो बच्चों देखो यहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, 8 स्क्वायर यहां पे ड्रॉ किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी 8 स्क्वायर को हमें इक्वल डिवाइड करना है, इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, मतलब ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। आपको पता ही है ग्रुप में दो थिंग्स होते हैं, टू थिंग्स होते हैं, है ना। तो हमें 2 के अभी यहां पे कितने ग्रुप बनते हैं यह हम पहले देखेंगे। देखो ये 2 का बन गया पहला ग्रुप, 1 2 3 और ये 4। देखो यहां पे 8 को हमने क्या किया है, 8 को डिवाइड करने के बाद यहां पे 2 के कितने ग्रुप बन गए हैं, 1 2 3 4, उसको आप ग्रुप या पेयर बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे 4 पेयर बन गए, देखो 1 2 3 और 4। कोई स्क्वायर बाकी छूटा है क्या इसमें, इस नंबर में नहीं छूटा है, इसीलिए हुआ इवन नंबर। इवन नंबर में इक्वल पेयर बनते, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4, 2 के 4 पेयर बने, एक भी स्क्वायर आगे छूटा नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं हुआ, इसलिए यह हुआ ऑड नंबर, ओके। देन देखो 7 को भी हमें डिवाइड करना है, 7 को देखो अब हम कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 ये बन गई पहली पेयर, सेकंड दूसरी पेयर और ये 3 पेयर बनने के बाद देखो एक स्क्वायर यहां पे छूट गया है, मतलब यहां पे यह जो नंबर है वह कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इवन नंबर में जो है वह हम नंबर के जब पेयर बनाते हैं तब एक भी थिंग अलग से नहीं छूटता है, जैसे कि हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 के कितने पेयर बन गए यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 पेयर बनने के बाद एक जो थिंग है, एक जो ज्योमेट्रिकल शेप है, एक अलग से यहाँ पे छूट गई है, मतलब यह जो नंबर है वह इक्वल डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे 2 के 3 पेयर बने हैं, लेकिन एक जो स्क्वायर है वो एक स्क्वायर यहाँ पे बाकी रह गया है, मतलब इसके साथ अगर एक स्क्वायर होता तो इसकी पेयर बनती थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयर आपको एक एक्स्ट्रा स्क्वायर आपको दिया है क्या, नहीं, इसीलिए यहाँ नंबर हुआ ऑड नंबर। देन नेक्स्ट देखो 6। अभी 6 को आपको यहाँ पे इक्वल पेयर में डिवाइड करना है, अभी 2 के पेयर में आपको पता ही है कि पेयर में 2 थिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 6 को अभी डिवाइड करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 को हमने यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड किया, 2 थिंग्स के यहाँ पे कितने पेयर बन गए हैं, 1 2 और 3, कोई थिंग बाकी रह गया है, कोई कौन सी कोई ज्योमेट्रिकल शेप जो, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाले तो एक्स्ट्रा स्क्वायर यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब यह जो नंबर है यह हुआ इवन नंबर। सो नेक्स्ट नंबर देखो 5। अभी 5 के हमें यहाँ पे इक्वल पेयर बनाने हैं, जैसे कि ये पहले बनाया पेयर 1 2 और ये लास्ट का जो है वो 3। अभी 3 में हमें एक पेयर बनाने के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्क्वायर एक स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसीलिए यह हुआ ऑड नंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर देखो, विच इज दिस नंबर, यस 4। अभी 4 के भी हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे 4 की कितने पेयर बनते हैं, 1 और 2, कोई स्क्वायर बाकी बच गया है क्या, नहीं, मतलब यह हुआ इवन नंबर। देन लास्ट यहाँ पे देखो 3
ये कौन सा डिजिट है? 3। अभी 3 के हमें पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे देखो 3 का ये पहला पेयर बन गया है 2 का, और एक पेयर बनाने के बाद एक ही स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है। अभी एक स्क्वायर अलग से यहाँ पे एक्स्ट्रा समझो यहाँ पे होता तो हम इसकी पेयर बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर कौन सा है 3, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाले थे 3, 1, 2 और 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 स्क्वायर की एक पेयर बनाई और एक स्क्वायर जो है वो बाकी रह गया है, इसलिए यहाँ पे इक्वल पेयर तो ये क्या नहीं हुई, इसलिए यह नंबर जो है वह ऑड नंबर हुआ। अभी नेक्स्ट नंबर देखो, हमें 9 नंबर पे एक एग्जांपल दिया है और उस एग्जांपल में हमें ये कौन सा नंबर है 2। अभी 2 के हमें 2 को हमें इक्वल 2 के इक्वल पेयर बनाने हैं। जैसे कि देखो पेयर में 2 थिंग्स होते हैं, ये तो हमने सबसे पहले देखा, तो यहाँ पे देखो हम कितने स्क्वायर बनाएंगे 1 और 2, तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर की हम यहाँ पे एक ही पेयर बना सकते हैं। देखो 1 और 2 यहाँ पे हमने एक पेयर बना दिए, एक्स्ट्रा कोई स्क्वायर बाकी है क्या? नहीं है, इसीलिए यह जो नंबर है यह हुआ इवन नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आवर लास्ट देखो 10 नंबर का एक एग्जांपल है 1। अभी 1 जो है 1 को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 1 स्क्वायर में, तो हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे एक नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर निकाला। अभी एक स्क्वायर के हम पेयर बना सकते हैं क्या? नहीं, पेयर बनाने के लिए हमें 2 स्क्वायर होने चाहिए, मतलब 2 नंबर्स होने चाहिए उसमें, इसलिए यहाँ पे एक की हम पेयर नहीं बना सकते, इसलिए यह हुआ ऑड नंबर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले इवन नंबर, और एक आपको याद में रखने के लिए एक टिप्स बोल सकते हैं हम उसे, जैसे कि इवन नंबर जो होते हैं उस इवन नंबर के वंस प्लेस पे, जैसे कि यहाँ पे देखो हम एक नंबर लिखेंगे यहाँ पे 10, 8, 7, 6, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे इवन नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई डिजिट होता है। यहाँ पे देखो जैसे कि वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे वंस प्लेस एक ही नंबर है इसलिए वंस प्लेस पे 8 है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कौन सा नंबर है 7, तो 7 के वंस प्लेस पे यहाँ पे 0, 2, 4, 6 है, इनमें से कोई नंबर है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखो आप, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर आता है तो वह नंबर होता है इवन नंबर। और ऑड नंबर पहचानने की और एक बात, जैसे कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ऑड नंबर जो होता है उस ऑड नंबर के वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से एक नंबर होता है तो वह नंबर होता है ऑड नंबर। ध्यान रखो बच्चों, देखो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर अगर वंस प्लेस पे होता है तो वह होता है इवन नंबर, जिसे हम सम संख्या कहते हैं। और जैसे कि ऑड नंबर किसे कहना है, देखो 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे आता है तो वह नंबर होता है ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आपको बच्चों ध्यान में रखना है, जैसे इवन नंबर किसे कहना है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर आता है तो वह है इवन नंबर। और ऑड नंबर किसे कहते हैं, जैसे कि देखो ऑड नंबर पहचानने की ट्रिक्स, जैसे कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई नंबर आता है तो वह हुआ ऑड नंबर। जैसे अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हमने क्या देखा, जैसे कि नंबर्स की पेयर कैसे बनानी है, और जब पेयर इक्वल होते हैं तब होता है इवन नंबर, और जब किसी भी नंबर की हम पेयर बनाते हैं या पेयर्स में अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और उस नंबर की पेयर इक्वल नहीं बनती है, कोई भी एक उसमें थिंग्स या ज्योमेट्रिकल शेप समझो आप जिसमें उसको कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें आप उसको काउंट कर रहे हो, उसमें से अगर कोई अलग से, जैसे यहाँ पे देखो 10 के हमने क्या किया, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 10 स्क्वायर बनाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस 10 स्क्वायर को क्या किया हमने, पेयर में डिवाइड किया, तो यहाँ पे इक्वल पेयर 2 के बने हैं। जैसे कि देखो यार
इसमें टू थिंग्स है, जैसे टू स्क्वेयर है वन टू या वन टू वन टू, ऐसे टू टू के यहाँ पे कितने कितने पेयर बने हैं, वन टू थ्री फोर और फाइव। जब इक्वल पेयर बनते हैं उसमें एक भी थिंग्स या एक भी आपने समझो अगर कोई स्क्वेयर या समझो ज्योमेट्रिकल शेप्स ली, वह एक भी अगर लास्ट को नहीं बचती है, सेम पेयर बनते हैं, तो वह होता है इवन नंबर। और जिस नंबर के पेयर में कोई एक थिंग्स बचता है या कोई समझो ज्योमेट्रिकल शेप अगर आपने बनाई हो तो वह अगर अलग से आती है तो वह हुआ ऑड नंबर। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर लिया था नाइन, नाइन में हमने क्या किया, नाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे नाइन स्क्वेयर बनाए थे और उस नाइन स्क्वेयर के हमने यहाँ पे पेयर बनाए, जैसे कि वन टू थ्री फोर, फोर पेयर बन गए लेकिन एक जो स्क्वेयर है यहाँ पे बाकी बच गया था, इसलिए यह नंबर हुआ था ऑड नंबर। जैसे कि देखो यहाँ पे कितने थिंग्स बच गए हैं, वन है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम पेयर बनाते हैं तब पेयर जैसे कि टू टू के सेम पेयर बनते हैं तो वह हुआ इवन नंबर, और अगर समझो कोई एक स्क्वेयर या कोई एक थिंग बाकी बचता है तब वह हुआ ऑड नंबर। और मैंने आपको एक आसान तरीका बताया इवन नंबर को और ऑड नंबर को कैसे पहचाने, जैसे कि अगर किसी भी नंबर के वन प्लेस पे जीरो टू फोर सिक्स या एट इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वह नंबर हुआ इवन नंबर, और किसी भी नंबर के वन प्लेस पे वन थ्री फाइव सेवन और नाइन इनमें से कोई नंबर आता है तो वह हुआ ऑड नंबर। अभी आपको बच्चों हमने इस वीडियो में इवन नंबर और ऑड नंबर किसे कहते हैं, उनके पेयर्स कैसे बनाने हैं, और इवन नंबर को और ऑड नंबर को कैसे पहचानना है, यह हमने इस वीडियो में देखा है।